हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 57 रुपीज का शेयर है, आज हल्की सी गिरावट यहां पर जरूर बनी है, जबकि मार्केट में आज रैली थी। आज बैंकिंग शेयर प्रेशर जरूर दिखा रहे थे और 57 रुपीज का ये शेयर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक, 57 रुपीज का शेयर, पिछले एक महीने में 10-10.5% का ग्रोथ। अब देखिए, एक चीज बेहतर है यहाँ पर, तेजी आती है, थोड़ी सी गिरावट आई, दोबारा से तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, अब थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन आप देखेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो थोड़ी सी गिरावट है ना, ये वापस इसको तेजी में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 190% से ज्यादा का ग्रोथ है, और आप देखिए एकदम धीरे 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 चल रहा था, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाई, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग पे 68 रुपीज से शेयर 50 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये ऊपर उठ रहा है और यहाँ से और ऊपर तक जाता हुआ नजर आ सकता है आपको। लार्ज कैप शेयर है, 36,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। और IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर दो बड़ी खबर निकल कर भी आई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग में 36.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.88% की होल्डिंग FIIs के पास है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 7.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। ग्लोबल टेल इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 7.61% की होल्डिंग के साथ, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2018 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद 2019-20 में डिविडेंड पे नहीं किया है, 21 में डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं वो एक सबसे बड़ा सवाल है। और एक और चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो एंजल ब्रोकिंग ने आप देखें IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक को पसंद किया है, और जो टारगेट बताया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए एंजल ब्रोकिंग का वो है 77 रुपीज। शेयर 57 पर ट्रेड करा है, 77 रुपीज का टारगेट दिया है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से। उनको लगता है कि 34% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर ये भी कहना है कि वी बिलीव एफर्ट टू बिल्ड लायबिलिटी फ्रेंचाइजीज, फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन एंड प्रोविजन टेकन ऑन होलसेल बुक विल हेल्प टू टाइड ओवर दिस डिफिकल्ट टाइम। और ये वाकई में हम बेहतर चीज यहाँ पर है। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, एक बड़ी खबर है कि IDFC फर्स्ट बैंक में ESOP प्रोग्राम के थ्रू 20.55 लाख इक्विटी शेयर बैंक ने अलॉट किए हैं। देखिए, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि ESOP प्रोग्राम होता है, जहां पर एम्प्लॉयज जो होते हैं वो खरीदारी करते हैं। देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर जो होते हैं एम्प्लॉयज वो खरीदारी करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को मौका देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, भैया जो मार्केट वैल्यू है उससे सस्ते दाम पर हम आपको ये अपनी ही कंपनी के शेयर दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो खरीद यहाँ पर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप देखिए बड़ी क्वांटिटी खरीदी जाएगी यहाँ पर, आने वाले वक्त में बड़ी इक्विटी खरीदी जाएगी, बैंक ने अलॉट किया है। और देखिए, एम्प्लॉयज का भरोसा भी होना चाहिए, ठीक है, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, और यही एक वजह है कि IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ये अलॉटमेंट किया गया, और ये पॉजिटिव चीज है, मैं इसको मानता हूँ। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 4% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। एक और चीज अगर देखें तो जो इनकी डिविडेंड की अगर मैं बात करने जाऊं तो देखिए 2016 में पे किया था, 17 और 18 में पे किया था, ठीक है, लेकिन 2019-20 में पे नहीं किया, और ना ही कोई बोनस दिया है इन्होंने अब तक। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पिछले 5 क्वार्टर में देखने को मिले हैं, और वो इंटैक्ट है, उसी के आसपास ही घूम रहे हैं, ना तेजी है ना बड़ी गिरावट है। लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट अच्छे हैं, पहले 75 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 100 करोड़, फिर 109 करोड़, फिर 135 करोड़ के आसपास, और इस बार भी उतना ही है। तो अब देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है, हालांकि मार्च का जो क्वार्टर है वो दिसंबर के क्वार्टर जितना ही है, उसके प्रॉफिट जितना ही है। तो यही एक वजह थी कि शेयर थोड़ा सा प्रेशर भी ले रहा है, लेकिन फिर भी तेजी तो है,
और दूसरी बात, जो बैलेंस शीट इनकी है वो काफी तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखा रहा है ये बैंक, और आने वाले वक्त में और बेहतर तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एक चीज है जो बैंकिंग शेयर को ड्रैग कर रही है, और वो ये है कि HDFC की तरफ से बताया गया है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें बैंकिंग शेयर को झेलनी पड़ सकती हैं और जो बैलेंस शीट है वो खराब हो सकती है, और उनके इस स्टेटमेंट की वजह से बैंकिंग शेयर्स के ऊपर प्रेशर बना भी है। और डेफिनेटली आप खुद देखिए कि भैया बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है, लेकिन ऐसे हालत में वो लोग या तो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं या तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि डिफॉल्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हालत उतनी अच्छी नहीं है, लोगों की जाने जा रही है, लोगों की नौकरियां तक जा रही है। ऐसे में लोग बैंक से लिया हुआ कर्जा चुका पाएंगे कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि काफी लोग चुका देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लोन बुक का अगर 1-2% भी होता है तो भी ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दिक्कत थोड़ी सी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बैंकिंग शेयर काफी अच्छे परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। 57 रुपीज का शेयर डेफिनेटली एक हैंडसम अमाउंट पर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की सलाह दूंगा यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत डेंट नजर आएंगे, आप देखिए तेजी के बाद गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत यहाँ से गिरावट आती भी है तो दोबारा तेजी की तरफ ये रुख अपनाएगा, और यहाँ से ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। IDFC फर्स्ट बैंक, डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं टिकर टिप के उस इसके वैल्यूएशन के जाऊं टिकर टिप पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एंट्री पॉइंट मतलब खरीदारी के लिए अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं गया है, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, सुरक्षित कह सकते हैं आप इसको अभी भी यहाँ पर। लेकिन हाँ, सिर्फ 10% एनालिस्ट है वो ही आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% एनालिस्ट का ही यहाँ पर बाइंग का सजेशन है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि मैं उस 10% में तो जरूर हूँ, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपने खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। लेकिन हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में अब यहाँ से उतना ज्यादा आपको फ्लक्चुएट ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा 10% अप जाएगा, 5-6% डाउन भी आएगा, ये शेयर इस तरीके से ये ट्रेड करेगा। तो शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि शेयर 57 पर ट्रेड कर रहा है और आपको यहाँ पर 1,000 शेयर खरीदने हैं, तो आप 1,000 शेयर 57 रुपीज के लेवल पर बिल्कुल भी मत खरीदिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको मान लीजिए कि आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं, पहले इस लेवल पर आप 200 शेयर खरीदिए, अगर 2-3 रुपए की गिरावट है और क्वांटिटी ऐड कर लीजिए 200 शेयर की, वेट करें, 2-3 रुपए की गिरावट है और क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, ताकि यहाँ पर आपको लॉस भी नहीं होगा और आपका जो नजरिया है लॉन्ग टर्म का, भैया वैसे भी आप 2-3 साल के लिए यहाँ पर रहने ही वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म का जो आपका पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पर फुलफिल होता हुआ नजर आ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो एवरेजिंग है वो भी कम होती जाएगी, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली शेयर में दमखम है 75 रुपए तक जाने का एटलीस्ट। तो यही कहूंगा, बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो करो, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।